वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप सबने पढ़ा होगा नॉमेनक्लेचर, उनका मतलब होता है नेमिंग, मतलब कि नाम देना। अगर हम किसी चीज़ को नाम ही नहीं देंगे तो हम मतलब कहेंगे कैसे कि हमने ये चीज़ पढ़ी या वो चीज़ पढ़ी। तो आज हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। आपको जितने मर्जी कार्बन एटम्स दे दिए जाए, जितने मर्जी फंक्शनल ग्रुप्स दे दिए जाए, आप उसकी नेमिंग बहुत जल्दी फटाफट से 5 सेकेंड्स में कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंडर कुछ मतलब फर्दर फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मतलब फीचर क्या होता है कि कोई भी गिवन कंपाउंड है हम उसको सिर्फ एक ही नेम दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। अब आप सोचते हो कि कॉम्प्लेक्स जैसे कि देखो मान लो मैं आपको देती हूँ कोई कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, OH से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ऐसे है, इसके ऊपर NO2 है। आप कहोगे इसकी नेमिंग तो मैं कर ही नहीं सकती, कैसे करूँगी? तो इसके अंडर आप सब नेमिंग इसकी बहुत ईजिली कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग भी करता है। फंक्शनल मतलब कि जैसे ये OH लगा गया ना, फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एस्टर्स, इपॉक्साइड्स, अगर वो सब भी लगे होंगे तो भी आप नेमिंग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत सिंपल सिस्टमैटिक मैथड है हमारे लिए नॉमेनक्लेचर करने का। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे, देखो सबसे पहले आता है बेसिक फॉर्मूला IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जिसको हम बोलते हैं कैसे, मतलब जिसको आपने दिमाग में रखना है और जब भी कोई भी कंपाउंड आपके सामने आता है आपने उस फॉर्मूला को याद करके लिख के नेमिंग करनी है। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको लिखना है प्रीफिक्स। पहले आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, नाइट्रो, कुछ भी हो सकता है। सेकंड चीज आती है आपकी रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? जैसे कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था C1, C2, C3, C4, उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। थर्ड आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है? एन, ईन, आइन, ये हमारा होता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है हमारा? कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जैसे एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, इपॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर कोई कंपाउंड देते हो तो उसकी आप नेमिंग बहुत ईजिली कर सकते हो। अब आप देखोगे इस केस में होता क्या है। सबसे पहले आता है रूल आता है नॉमेनक्लेचर के। पहला रूल आता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, मतलब सबसे लंबी चेन ढूंढो।
ये देखो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आप देखोगे, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। फर्स्ट वाले में देखो 1 2 3 4 5 6, एक तो स्ट्रेट हो सकती है। सेकंड रो देखो 1 2 3 4 5 6 सेम है, ठीक है, कहीं से भी ले लो 1 2 3 4 5 का है, तो इसके तो क्या होगी, स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट, कीजिए फटाफट, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको सिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। देखिए हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम इसमें स्ट्रेट चेन ढूंढेंगे, तो इसमें फिक्स ढूंढेंगे 1 2 3 4 5, एक तो होगी हमारी स्ट्रेट चेन, ये तो पाँच है सिर्फ, ठीक है, और देखो 1 2